आज हमने माननीय आयुक्त राजेश नार्वेकर जी साहब से मेडिकल कॉलेज और सुपर हॉस्पिटल के बारे में अंतिम चर्चा और आज का प्रेजेंटेशन अंतिम था। हमको 15% कमर्शियल शुल्कों ने दिया, उसके लिए हमने प्रयास किया था और उसके लिए हमारा ये सब काम रुका था, अभी वो हो गया है। उसके बाद में जो जो परवानगी लेकर और फिर टेंडर प्रोसीजर में हम जाएंगे तो 6 महीना लगेगा और मई के लास्ट एंड में इसका भूमि पूजन होएगा। ऐसे आज हमारी पूरे हम लोग ने जो नियोजन किया है, आज जो मीटिंग हुई है, सब अधिकारी थे वगैरह, आज ये फैसला हो गया है कि अंतिम टाइम पीरियड क्या होगा। ये जो मैंने उनको पूछने के बाद उन्होंने मई महीने का टाइम पीरियड दिया और ये कुछ खबर आज नवी मुंबई के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मेरा 1 साल से जो प्रयास चालू था उस प्रयास को आज मूर्त स्वरूप मिल गया है। मुझे खुशी हो रही कि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको यह सब सुविधा मिलेगी, क्योंकि आज देख रहे हैं आप कोविड के बाद लोगों के काम चले गए हैं और ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए हम बना रहे हैं, तो गरीब लोगों को सब सुविधा युक्त, उनको रहने के लिए धर्मशाला भी होगी। कोई पेशेंट आएगा, उनका बच्चा एडमिट है या माँ एडमिट है, तो उनके लिए भी धर्मशाला भी होगी, ब्लड का पथपेड़ी होगा, सब कुछ है इसमें। तो ये सब जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनेगा, लाखों लोगों को इधर रोज़गार प्राप्त होगा। जब एक मंदिर बनता है तो उस भगवान के दरवाजे में लाखों लोगों को काम मिलता है, फूल वाला है, फल वाला है, मिठाई वाला है, भावी गाते हैं, भिखारी, ये सबको काम मिलता है। ये गरीब लोगों की सेवा जो है, जो कि 1 साल से मैं प्रयास कर करके सब जो परवानगी लेके आई हूँ उसके लिए आज मेरे जीवन में तो बहुत खुशी की बात है, मगर पूरे नवी मुंबई वासियों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।